फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में एक फोक आर्ट लेकर आई हूँ, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग कचनी मधुबनी पेंटिंग है और देखिए ये वाली हम पेंटिंग आज आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसके लिए जिस मटेरियल का मैंने यूज़ किया है वो इस प्रकार से है, स्केल, पेंसिल, इरेजर, फाइन लाइन पेंस, कंपास, एक्रेलिक पेंट कलर ऑरेंज, रेड और पेंट ब्रश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। A5 साइज के 200 GCM का मैंने सिंपल पेपर लिया है और स्केल की हेल्प से हमने 9 इंच के एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। जब आप स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे तो हाफ इंच का डिस्टेंस देके उसके अंदर हम एक और स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ कर लेने के बाद हम 9 इंच का मिडल पॉइंट यानी कि 4.5 इंच लेके, आप चारों तरफ से 4.5 इंच का लेके मिडल सेंटर ले लेना। और जब हमें मिडल सेंटर मिल जाएगा तो वहाँ पर हम कंपास की हेल्प से 5 सेंटीमीटर के रेडियस पे एक सर्कल बनाएंगे और उसको डबल लाइनिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे और एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी भी हम डबल लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम 8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सेम वैसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी भी डबल लाइनिंग कर लेंगे। ये होने के बाद हम कॉर्नर में प्रकार रखकर या कंपास रखकर एक आर्क खींचेंगे जो आर्क हमारे सेंटर वाले सर्कल से टच ना करे, ध्यान रखिएगा। अगर टच होता है तो आप अपने कंपास के एडजस्ट कर उससे आप जैसे मैंने अभी किया आप उसको मिटा के बना सकते हैं। अब हमें ये बेस मिल गया है। अब इसमें मैं जो फिगर ड्रॉ करने जा रही हूँ वो फिश का फिगर है। एक फिश का फिगर हम ड्रॉ करेंगे। और ठीक ऐसे ही सेम फिगर हम कॉर्नर में भी ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ करने के बाद मैंने फाइन लाइन की हेल्प से जो मैंने नंबर 3 ब्रोस्ट्रो का पेन यूज़ किया है उससे जो अभी तक हमने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी अब उनको हम पेन से ड्रॉ करेंगे और उन सभी की हम डबल लाइनिंग कर लेंगे। मधुबनी की खास बात यही होती है कि जो भी आप ड्राइंग करेंगे उसकी डबल लाइनिंग की जाती है। अब हम इसी तरीके से इसमें हम बॉर्डर बनाएंगे। देखिए सिंपल लाइन पैटर्न से हम ये पूरी ड्राइंग बनाएंगे। ये हम ट्रायंगल बना रहे हैं और उसको भी डबल लाइनिंग कर लेंगे। तो जब तक हमारा ये बॉर्डर तैयार होता है मैं आपको कुछ कितनी प्रकार की मधुबनी पेंटिंग होती है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मधुबनी पेंटिंग भरनी और कचनी ये दो टाइप्स की होती हैं। तो भरनी, भरनी से आप समझ ही रहे होंगे कि भरनी मीन्स भरा हुआ। तो भरनी शैली की जो पेंटिंग होती है वो चमकीले रंगों का प्रयोग किया जाता है इस पेंटिंग में और ये पूरी तरीके से भरी हुई बनती है, एकदम भरी पेंटिंग होती है। और इनको पारंपरिक रूप से इनमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र आप उकेरे जाते हैं और या भारत की पौराणिक कथाओं जैसे रामायण की कथा या पूरा रामायण का चित्रण करा हुआ इनके चित्रों में दर्शाया जाता है। और ये हिंदी देवी देवताओं के ऊपर बेस्ड होती हैं। लेकिन कंचनी पेंटिंग भी एक कायस्थ समुदाय के आने वाली तस्वीर की एक पारंपरिक शैली है और जिनमें हम सिर्फ केवल 2 रंगों का प्रयोग करके बनाया जाता है। और इसका मुख्य बात ये होती है कंचनी पेंटिंग की कि जो चित्र बनाए जाते हैं वो पूरे लाइन वर्क का प्रयोग किया जाता है। और इस पेंटिंग में आपको जो मुख्य फिगर्स दिखते हैं वो होते हैं जानवरों के, फूलों के या अन्य प्राकृतिक
दर्शाए जाते हैं। जैसे हमारी ये कंचनी पेंटिंग में जो मैंने बताया कि हम कंचनी पेंटिंग बना रहे हैं जिसमें हमने एक फिश ड्रॉ की है, और ये देखिए सब लाइनिंग वर्क के ही थ्रू हम ये पूरी पेंटिंग करने जा रहे हैं, और ये हमने दो कलर पे ही बेस होकर बनाई है, तो इसलिए हमारी कंचनी ये मधुबनी पेंटिंग बन रही है। अब ये देखिए हमने अभी तक सबको डबल लाइनिंग करते हुए चले गए हैं, और सिंपल लाइन वर्क करते हुए हम इस पूरी पेंटिंग को बना लेंगे। मधुबनी पेंटिंग में हम सबसे पहले सारा वर्क इन फाइन लाइन पेन से यूज़ करेंगे, और फिर लास्ट में हम कलर फिल कर लेंगे। ये वीडियो मैंने खास तौर पे बिगनर्स के लिए बनाया है, इसलिए मैंने सिंपल पेपर का यूज़ किया है और फाइन लाइन पेंस का यूज़ करके बनाया है। लेकिन आमतौर पे जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है वो हैंडमेड पेपर्स पे बनाई जाती है, जो कि ऑफ वाइट कलर्स की होती हैं, और एक्रेलिक पेंट यूज़ किए जाते हैं, और फाइन लाइन पेन की जगह निप पेन यूज़ करके बनाई जाती है, जिससे वो बिल्कुल ओरिजिनल मधुबनी पेंटिंग लगती हैं। लेकिन मैंने ये स्टार्टिंग जो अभी सीखना चाह रहे हैं कि कैसे मधुबनी पेंटिंग बनाई जाए, तो उनको ईजी मैथड वे पे मैंने फाइन लाइन पेन का और सिंपल पेपर का यूज़ करके बनाया है। अब ये देखिए हमने लाइन पैटर्न को डबल लाइनिंग करके, और ये देखिए लाइनिंग पैटर्न पे ही हम इनको फिल भी कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम एक कर्व की लाइन देते हुए पत्ती नुमा बना के इस तरह से पूरे सर्कल को कर लेंगे। और फिर लाइनिंग पैटर्न से हर एक पत्ती को हम भर लेंगे। ये देखिए कॉर्नर्स में भी हम वही फिश पैटर्न बना रहे हैं। मैं आपको एक कॉर्नर पूरा करके एक साइड का पैटर्न दिखा रही हूँ भर के, और जैसे हम ये बनाएंगे इसी तरीके से चारों कॉर्नर में हम बना लेंगे, और बीच में मैं कमल का एक पैटर्न बनाऊंगी। तो मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, आपको पूरी पेंटिंग को इसी तरीके से बना लेना है। अब मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत तो रामायण के दौर से ही हो गई थी, जब मिथिला के राजा जनक ने राम के शिव धनुष तोड़ने के बाद जब जनक की बेटी सीता की शादी राम से तय हुई थी, तब राम के पिता अयोध्या के राजा थे, इसलिए मिथिला ने अयोध्या से बारात आने वाली थी। तो जनक ने सोचा कि एक ही बेटी है और शादी ऐसी होनी चाहिए कि जमाना याद रखे, तो उन्होंने जनता को आदेश दिया कि सब लोग अपने घरों की दीवारों और आंगनों पर पेंटिंग बनाए, जिससे अपनी संस्कृति की झलक मिल सके हों अयोध्या वालों को। तो जब बाराती आएंगे मिथिला में तो उन्हें अपनी महान संस्कृति का उन्हें पता चलेगा। तो तभी से ये मिथिली पेंटिंग का शुरुआत हुई, और इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो मधुबनी आर्ट को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। तो ये देखें हमने पूरी पेंटिंग अपनी बना ली, और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत हुई है। इसी तरीके से हम पूरा लाइन पैटर्न वर्क कर लेंगे, और सबको भर लेंगे। अब इस तरह से देखिए हमारा पूरा एक पैटर्न अब हम कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के लिए मैंने नंबर वन ब्रश पेन का यूज़ किया है, और जो भी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रेड बटन आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये किस राज्य से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग मिथिलांचल के में, खासकर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और नेपाल के जनकपुर, सिरहा, धनुषा जैसे जिलों की एक मेन फोक पेंटिंग है। और शुरुआत में यह पेंटिंग घर के आंगन दीवारों पर रंगोली की तरह बनाई जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे यह कपड़ों, दीवारों, कागज़ों पर, इवन कैनवासों पर उतर आई। और पहले ये पेंटिंग सिर्फ औरतें ही बनाया करती थी, लेकिन अब इन्हें आदमी भी बनाने लग गए हैं। और इन पेंटिंग को विभिन्न उपकरणों के साथ बनाया जाता था, जैसे उंगलियां, टहनियां, ब्रश, बांस की कलम, माचिस की तिली से बनाया जाता था, और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे गहरा लाल, नीला, काला। लेकिन आजकल इंटरनेशनल मार्केट में इतनी डिमांड देखते हुए कलाकार आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ करते हैं, और पेपर्स, कैनवास, इनका यूज़ करके इनको एक आसान तरीके से बनाने लग गए हैं।
जैसे मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि मैंने मेन पेन का यूज़ किया है और सिंपल पेपर का यूज़ करके एक मधुबनी पेंटिंग बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए कितनी सुंदर बन के भी अभी से ही दिख रही है, तो जब ये पूरी बन जाएगी तो आप देखिए कितनी सुंदर लगेगी। और इस तरीके से आप बनाकर अपने दोस्तों को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में भी इनको फ्रेम कर लगाइए तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। अगर आप SBI का डेबिट कार्ड देखेंगे तो उसके जो कवर कार्ड होता है उसकी पेंट उसके कवर कार्ड में जो भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी तो वो भी एक मधुबनी पेंटिंग ही है, अगर आप कभी ध्यान दें तो। अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये और कमेंट्स करना भी बिल्कुल ना भूलें, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए बन के हमारी पेंटिंग रेडी है।